तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल एंगल पर में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 17। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमोन सॉस। तो पिछले ही एपिसोड में मॉम ने उस लड़की को किडनैप कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें उस लड़की को बचाना है तो हमें सारे जेम्स लेके उनके पास आना है। तो हम उनके पास जाते हैं सारे जेम्स को लेकर, पर वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो हम जाते हैं लेटियस के साथ इस आइलैंड पे। दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा सा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है टैपिक। तो सबसे पहले आंसर दिया है प्रियांशु भाई ने, फिर दिया है पोकी एक्स वाई गेमर ने, उसके बाद दिया है लक्ष्य भाई ने, फिर दिया है आदित्य गेमर ने। दोस्तों यही वो डीप पोकेमोन हार्ट फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डीप पोकेमोन हार्ट फैन हो तो भी आप जवाब देगा कुछ कुछ स्ट्रीम पे आने वाला है। चल दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और मे बी हमें इस जगह एक बार एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हमें लेटियस लेकर आया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। ओके तो हम इसकी जगह से हम पहले से शुरुआत करके देख लेते हैं। एक बार हमने पहले गए थे, हम इससे आगे मे बी यहाँ से गए थे ना, यहाँ पे एक रिंग सा कुछ था और वो थोड़ा सा एम्प्टी था। मे बी वहाँ पे चेक कर लेते हैं, शायद वहाँ पे हमें कुछ पता लग जाए। तो मे बी हम सही जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ है। ओके लगता है हम आ चुके हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे कुछ है मे बी। ओके यहाँ पे किसी की आवाज़ आ रही है और हमें वो किसी बॉक्स की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके तो ये आवाज़ जो है उसके बारे में पता तो नहीं है, पर हमें उस बॉक्स को फाइंड आउट करना है और वो बॉक्स नॉर्दर्न साइड की तरफ है। ओके तो इसी आइलैंड के अंदर है और हम इसे आके एक बार ढूंढ लेते हैं। ओके तो मे बी ये भी इधर की तरह होना चाहिए। यार इसके ऊपर देख लेता हूँ। अरे यार रिपेल यूज़ करें पहले। ओके तो मे बी यहाँ से एक बार देख लेते हैं, शायद यहाँ एक मतलब एक बॉक्स टाइप कुछ पड़ा होगा ना, तो यहीं पे पड़ा होगा। मे बी एक वहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, शायद यहीं पे कोई बॉक्स में भी पॉकी बॉल है ना ये। ओके ये इतना कुछ खास तो नहीं है टीएम वैसे। ओके तो यहाँ पे कुछ पड़ा है। ओके इस दैट बॉक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट आई है। ओके तो ये कहीं पे हमें इशारा कर रही है और यहीं पे तो हमें जाना है जहाँ पे मतलब हमें प्रोफेसर ने बोला है। पहले हमें ओपन करना चाहिए अपना वो मोबाइल फ़ोन में भी एच फोन जो था शायद, देख लेते हैं ना एक बार। ओके देखते हैं बैग। ओके एच यू फोन। ओके यहाँ पे कुछ लिखा है सो रिंग, इस पर क्लिक करके देखते हैं। ओके तो इससे हम लेटियस को बुला सकते हैं। ओके तो हमें इसी आइलैंड पे जाना है और हम यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ पहले पोकेमोन्स के एचपी फुल कर लेता हूँ मैं। ओके तो लगता है हमारे पोकेमोन्स के एचपी फुल हो चुकी है। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ जहाँ पे प्रोफेसर है। मे बी प्रोफेसर यहाँ पे नहीं है, आगे देख लेते हैं एक बार, शायद प्रोफेसर उस तरफ को ना हो। ओके यहाँ पे एक टनल है। ओके तो प्रोफेसर यहीं पे है और डैड भी। ओके हमने फाइनली इसको बचा लिया हुआ और हम इसे वापस भी ले आए हैं। ओके तो हमने सब डैड को एक्सप्लेन कर दिया उसने, ये अगली बार से हम केयरफुल रहेंगे कोई बात नहीं, पर हम बार बार उस चंगुल में तो नहीं फंसेंगे। बाकी देखते हैं, वैसे हमारा कोई प्लान तो था नहीं कि हमारी मॉम हमें किडनैप करे, बाकी देखते हैं। ओके तो यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है और हमें इसी के आगे को चेक कर लेना चाहिए। और फ्रायो भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल उस फ्रायो हमसे आगे होगा थोड़ा सा, तो अभी चलना चाहिए इसके अंदर। और अगर कोई फाइट हुई तो हमें उस फाइट को स्किप करना चाहिए। ओके तो लगता तो नहीं है इसके ऊपर कुछ भी गड़बड़ है और यहाँ पे तो एक और टनल है। ओके तो हम आ चुके हैं बाहर की तरफ और लगता है यहाँ पे उन्होंने पहले ही कब्जा कर चुके हैं, अपने लोगों को छोड़ चुके हैं। इनको ठंड लगती है क्या, यहाँ पे आराम से खड़े हैं ये लोग। ओके तो बाकी देखते हैं ये फाइट करेगा पक्का। ओके गाइस मैंने इसको डिफ़ीट कर दिया और इसके आगे लोगों को भी डिफ़ीट कर दिया, तो हमें कोई भी अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। मॉम तक तो पहुँचते हो जितना मुझे लगता है, बाकी मैंने वहाँ पर कुछ टनल्स वगैरह देखे हैं, शायद उन टनल में से एक टनल हमें मॉम तक पहुँचा सकता है। बाकी देख लेते हैं, इस टनल को तो मैंने देख चुका हूँ, वैसे कुछ खास है नहीं इस जगह पर। इसके ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ पर टनल था, मैंने इसको एक बार देखा था, शायद इसके अंदर लोग हो सकते हैं। ओके इसके अंदर बंदे हैं तो हम इन लोगों से फाइट कर लेते हैं और इनको हरा कर बढ़ते हैं आगे। क्या हम इनसे बच पाएंगे, यहाँ पे कोई कितना कोई रास्ता है ना शायद, इससे हम बाहर जा सकें, शॉर्टकट हो शायद कोई, नहीं गेम वाले इतने अच्छे भी नहीं हमें शॉर्टकट दे सकें। ओके लगता है उसे फाइट करनी पड़ेगी, ये बच के देख लेते हैं शायद हम बच पाएँ। भाई छोड़ देना प्लीज़, भाई बन के छोड़ देना प्लीज़। उसके सामने खड़े कुछ भी नहीं करेगा वो, जब तक हम इसके सामने जाएंगे कितना अजीब सा लगता है, उसके सामने खड़े से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
एक मिनट देख लेते हैं एक बार, जा छोड़ देना भाई प्लीज़ प्लीज़, मुँह उधर घुमा लेना यार। अरे यार पकड़ लिया, ओके ओके गाइस, मैंने इनको भी डिफीट कर दिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ और मे बी मॉम को हमें ढूंढना चाहिए। पता नहीं अब क्या कुछ क्या करने वाले हैं यार, किस किस एंशिएंट पोकेमोन की वो फॉसिल्स वगैरह इकट्ठे कर रहे थे। हमने जितने भी अभी तक कुछ देखा है, मेरे हिसाब से किसी पोकेमोन को अवेक करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो पोकेमोन वगैरह डेंजर भी हो सकता है हमारे लिए, बाकी पता नहीं उसके बारे में इतना हमें। ओ भाई कैसा हो यार, ठंड में इतने खड़े हो यार, कोई ठंड महसूस नहीं होती क्या? भाई साहब जम ही गया यार, कुछ बोला ही नहीं यार। चल भाई बाबे मिलते हैं। ओके तो मे बी मॉम होनी चाहिए ऊपर जितना मुझे लगता है, वैसे मैंने सबको डिफीट कर दिया, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, देखते हैं। बाकी फ्राई हमसे पहले पहुंच गया होगा, हमें फ्राई से पहले पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए अब, नहीं तो फ्राई सारा मज़ा अकेले के लिए ले लेगा और वो अकेले डिफीट कर देगा। बाकी देख लेते हैं क्या बनता है सीन, और मे बी हम ऊपर जाके देख लेते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर कोई भी टर्निंग बैक नहीं है फ्रॉम नाउ। ओके तो हम तैयार है, फ्रायो भी आ चुका है और साथ में वो लड़का भी हमारे साथ में है। तो यहाँ पे बैटल शुरू हो रहा है, आई थिंक वो एक ट्रैनेट आ रहा है और वो कुछ मतलब वो किसी मीडियो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मे बी ये कोई डेंजर चीज़ हो सकती है। तो लगता है हमें घेर लिया गया, अब हमारी बहुत खटिया खड़ी होने वाली है। ओके तो हमारे साथ फाइट होने वाली है, ये हैरी है पक्का, हैरी वो लड़की। ओके ओके तो ये मॉम है तो मुझे पता नहीं चला। ओके हम प्रेशर करते हैं थंडर पंच अटैक से और देखते हैं हम सही खेल पाएँ। ओके लुकायर पर थोड़ा डैमेज पड़ा, ओके आप किसी लुकायर को भी डैमेज पड़ा, अब कोशिश करेंगे कि आप फिट ना करें। ओके हम यूज़ करते हैं थोड़ा थंडर पंच और करते हैं आयरन टेल। अरे नहीं लुकायर भी आयरन टेल होगी, नहीं नहीं अग्रो नहीं, वाह बात भाई साहब, अपने तो पोकेमोन को डिफीट करने के लिए खुद को मरवा डालो यार, क्या गलती की मैंने यार, क्या पोकेमोन है यार, ऐसे तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। लगता मुझे लुकारी को दोबारा जिंदा करना होगा, कुछ देखते हैं क्या बिना लुकारी को जीत पाएंगे। वैसे बहुत मुश्किल है कि लुकारी को और स्पीयर बहुत मस्त अटैक करता है मुझे। ओके तो लगता तो नहीं हम जीत पाएंगे ऐसे इस सिचुएशन में, तो मुश्किल में जहाँ तीन पोकेमोन हमारे फाइटेड हो चुके हैं। ओके लगता है सही खेल रहे हैं यार, बस क्रो बैट हार जाए इसका पहले, इसको तो बाद में देख लेते हैं। अरे यार क्या अटैक मारा इसने। ओके दिस इज़ नॉट गेटिंग इंटरेस्टिंग, तो मे बी हमें अपना लुकारियो को दोबारा जिंदा करना चाहिए। चल लुकारियो भाई शुरू हो जाते हैं इनसे हम। ओके तो इसका पहला पोकेमोन डिफीट अभी हुआ है क्या इसके? हाँ पहला पोकेमोन डिफीट कर चुके हैं ना, और मे बी एक सेप्टल बचा है इसके पास, शायद इसका भरा हरा पाए हम। ओके क्रोबैट गया, अब अकेला सेप्टल बचा है, सेप्टल को हम पेल डालेंगे थंडर पंच या फ्लेम थ्रो, जिससे बड़ी से मर जा भाई, थंडर पंच चलेगा। ओके तो हमने फाइनली इसको यहाँ से डिफीट कर दिया हुआ है। ओके कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे, वो किस चीज़ को किस चीज़ का सील ब्रेक कर रहे हैं यार, किस लगता है वो किसी एंशियंट पोकेमोन पे मतलब जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके दिस इज़ नॉट गेटिंग इंटरेस्टिंग, इतना ये बहुत डेंजर काम लग रहा है मुझे, इनका जो आइडिया वगैरह है ना ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी बैंड बजा सकता है जो पोकेमोन है। ओके फ्रायो थोड़ा काम डाउन हो, हम कर सकते हैं। ओके हमें अगर हम इस चीज़ को अभी स्टॉप करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, पर ये फाइट करने से हट भी नहीं रहे हैं। तो मेन लीडर आ चुकी है हमारी मॉम, और पहले से मॉम नहीं थी क्या कोई लड़की थी, वो लाल वाली लड़की थी। ओके तो इनको आना मुश्किल है क्योंकि इनके पास सारे डार्क पोकेमोन होंगे मेनली। ओके यार क्या पोकेमोन है ये, हैरा क्रॉस भी ना कौन सा वाला है, अजीबो गरीब हैरा क्रॉस है। ओके मडी वाटर, दोबारा मडी वाटर, लो काम खत्म। क्या मतलब क्या बोलूँ, क्या हॉन्ड हो रहा है यार मैं ये क्या बोलूँ तुझे। ओके अरे यार बिजी ऑटो भी चला गया। ओके एग्रॉन, ओ एग्रॉन की अच्छा एक्सपी है, तो क्या कर लगा एग्रॉन भाई, बैन लगी पड़ी है यहाँ पे। ओके इसके लिए तो भाई एक ड्रैगन टाइप अटैक या आइस टाइप अटैक करना चाहिए ना, मैं बस आइस टाइप अटैक है, ड्रैगन टाइप है तो लुकार कर सकता है। ओके मिलोटी, और मे बी ये एक वॉर टाइप पोकेमोन है, हाँ तो जरा एग्रॉन तुम मरने वाले हो तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं हम। ओके अब क्या किया जाए, ले यार तो ग्रास से पोकेमोन पे थब्बा है यार, कुछ अच्छा काम कर लेना यार। यार क्या पोकेमोन है यार ये, अगली बार कभी नहीं पकड़ूंगा इसे यार। पी जी ओ टाइप मैंने क्यों रिवाइव किया यार, क्या सोच के किया होगा इसे। थंडर पंच, ओ भाई गलत सीन हो गया ना, ठंडा पंच आ रहे फुल रिस्टोर, बात ख़त्म। ये बैंड बजेगी बजेगी, ओके नेक्स्ट पोकेमोन के लिए जाओ पिजियोटो। ओके
थोड़ा सा हैंडल कर लेते जियो तो, तब तक हम अपने वक्त जरा रिकवर कर ले। कहाँ गया फुल स्टोर? ओके फुल स्टोर, ओके हम यूज़ करते विंग अटैक। दोबारा विंग अटैक, दोबारा विंग अटैक कर दो, जरा विंग अटैक देखते हैं कितना जल्दी जीत पाएंगे। और लेते जियो तो गया, पर गुड जब ने बहुत अच्छा डैमेज दिया। अब करते हैं ओवर स्टोर थंडर पंच, थंडर पंच कर देते हैं। ये हुई ना बात, तो फाइनली लीडर भी हो चुकी है डिफीट, और अब तक गलत सीन होने वाला लगता, सील ब्रेक हो गई। ओ नो, यहाँ पे कुछ अपेयर हो चुका है, ये है द एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओ नो, ये 300 सालों से इसके अंदर बंद था, और ये ही डार्क पोकेमोन्स को कंट्रोल करने के लिए मेन होता है, मतलब मेन जो हेड है इसका, मतलब मेन बॉस। और इन्होंने एक एंशियंट पोकेमोन को जगा दिया हुआ है, और जो बहुत ही पावरफुल है, और इसके पकड़ने के लिए एक स्पेशल पोकेबॉल लगती है, पर वो उससे नहीं पकड़ पाए। पर क्या किया जाए अब? ओके लगता हमें कुछ करना पड़ेगा अपने ओरा के साथ। आई गॉट एन आइडिया, मतलब क्या करने वाले हैं फ्राई हो? क्या सोच रहे हो भाई? एक मिनट फ्राई हो, क्या करने वाला है फ्राई हो? क्या तुम्हें लगता है तुम हैंडल कर पाओगे इस पोकेमोन को? यार कुछ गलत सीन ना हो जाए। ओके स्टे बैक, आई गॉट दिस, आई हैव अ प्लान। क्या प्लान है फ्राई हो तुम्हारे पास, बताओ तो सही ना एक बार। आई सेड, अरे यार स्टे बैक राइट नाउ। अरे क्या करने वाला है भाई, भाई क्या करने वाला है? ये क्या, इसे तुम संभाल पाओगे यार? ये पता नहीं किस टाइप का पोकेमोन है, ये एंशिएंट पोकेमोन है भाई, फ्रायो समझा करो। ओके तो फ्रायो लगता है इसे, ओ फ्रायो भाई, भाई ये फेल्टेड हो गया क्या? ओके क्या हो रहा है भाई, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया यार, उसने कुछ ही कर पाया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके फ्रायो क्या बोल रहा है भाई? एक ओ नो मैन, यार फ्रायो ने मतलब इसकी आधी पावर कम करने के लिए खुद की जान दे दी यार, क्या ट्रू लेजेंड है यार फ्रायो भाई। हम इसको हरा देंगे यार, छोड़ेंगे नहीं फ्रायो के लिए यार, छोड़ेंगे नहीं यार। आजा तेरा ओपोनेंट मैं हूँ, अब देखते हैं भाई। यार सच में यार मतलब सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है एंड यार, मतलब क्यों यार, अब नहीं छोड़ेंगे इसे यार, नहीं छोड़ेंगे यार। हमें एक बॉल से मिली है, और शायद ये वो स्पेशल बॉल है। ओके उसने खुद को सेक्रीफाइस किया, हमें इसको हराना ही होगा। यू हेयर मी फ्रायो, हम इसे हरा देंगे। यार क्या है यार फ्रायो, मुझे लगा नहीं था ऐसा हो सकता है। अच्छा मतलब फ्रायो सच में नहीं बचा कि शायद बचा पाएँ क्या, मे बी शायद हमें इसे जल्दी डिफीट करना होगा। ओके तो ये आ चुका है, और ये ही है वो एंशिएंट पोकेमोन। ओके हम पहले यूज़ करते हैं ओरा स्फीयर। ओके अभी क्या डैमेज दिया ओरा स्फीयर, अरे यार क्या पोकेमोन है यार ये भाई साहब, इसको हराना तो बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है इसे हराना यार। मे बी हम उसको हरा सकें अपने लुकारियों की ओरा स्फीयर ही है जो उससे हरा सके। कहाँ चला गया यार वो, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गया यार रिवाइवल हर्ब। ओके मैंने पिजियोटो को रिवाइव क्यों किया यार, क्या सोच के रिवाइव किया मैंने, सब कुछ करना जो पिजियोटो कुछ करना यार, लुकारियो यही ना बात, लुकारियो आ जाएगा ना। ओके पिजियोट गया, लुकारियो और स्फीयर। ओके हमने फाइनली से डिफीट कर दिया, शायद हमें किसी तरह फ्रायो को बचा सके, वो डिसअपीयर हो चुका हुआ है। ओके सारी एनर्जी रीडिंग सब जा चुकी हैं, सब कुछ वैनिश हो चुका हुआ, और सारे जो पोकेमोन जो डार्क पोकेमोन बने थे वो सब नॉर्मल हो चुके हैं, और सारा एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो चुका है। व्हाट द हेल हैपन, ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। सच में यार क्या भाई, क्या बोलूँ यार, क्या ट्रू लेजेंड था, क्या बंदा था यार, क्या है भाई फ्रायो सच में यार, जैसा मर्जी था यार बहुत अच्छा बंदा था यार, उसने पूरे टाइम हमारी मदद की, बहुत अच्छा था यार। गलत सीन हो गया, मुझे पता नहीं था ऐसा हो सकता है यार, इसका एंड थोड़ा सा अजीब सा था, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ बोला नहीं जा रहा यार। ओके तो ये यहाँ से जा चुके हैं, और मॉम ने खुद को शायद पुलिस के पास सरेंडर कर दिया। 3 दिन पास हो चुके हैं, और फ्रायो अभी ऑफिशियली नहीं है, वो उसकी स्टोरीज डेफिनेटली हिस्ट्री में ज़रूर लिखी जाएगी। और इसी के साथ ही हमने अपना गेम शायद कंप्लीट कर लिया है, मे बी हाँ कंप्लीट कर लिया यार, पर उसका एंड यार इतना सोचा नहीं था मैंने, जैसे भैया फ्रायो के साथ
मतलब एंड वाला बैटल फ्रायो के साथ हमने इतना मतलब हर टाइम फ्रायो हमारी मदद करने आया, जैसे मर्जी था फ्रायो यार, तो बंदा अच्छा था यार वो, ही सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द वर्ल्ड, ये हुई ना यार, ट्रू बंदा था यार, बड़ा अच्छा था यार, क्या बोलूँ मैं अब। ओके तो लगता है इसी के साथ ही मे बी पोकेमॉन स्वॉर्ड सेंड हो चुकी है शायद, मे बी मुझे पता नहीं है, बाकी मैं देख लूँगा, अगर इसका कोई आगे पार्ट बनेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे, पर यार आज का जो ये पार्ट था ना मतलब नेक्स्ट लेवल लगा यार। ओ फ्रायो मे बी शायद ये है मोमेंट डैड, आई होप यू आर प्राउड। ओके नहीं शायद वो नहीं बचा यार, सी यू सून एज अ फैमिली अगेन, द स्टोरी एंड्स। तो पोकेमॉन सोर्स वर्जन बहुत ऑसम थी यार, बहुत अच्छी स्टोरी थी, मज़ा आया, क्या बोलूँ यार, गेम नेक्स्ट लेवल लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी यार ये। और इसी के साथ ही हमारा लगता है आज की वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी, बाकी देखते हैं अगर इसका कोई पार्ट बनता है तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसके एक दो पार्ट ना बन जाएँ, क्या पता, बाकी देखते हैं, मैं ज़रा देखूँगा अगर बनता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ओके ओ ये तो वही पोकेमॉन था ना, वो क्या था, एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन, वैसे एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बहुत पावरफुल था, मैंने पकड़ा नहीं, शायद से पकड़ सकते नहीं थे मे भी। तो गाइस इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, सब इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।